राधे राधे जी। सारे भाई बहन आए हैं तो के बनाओ सर रखे हैं? ठीक हो ठाक हो? और क्या हो? उम्मीद करूँ कि सारा ठीक होगा। तो चलो हम पकड़ा आप बोलो कंटिन्यू शुरू। और आज के ब्लॉग में के खास है? के खास हो आज के ब्लॉग में? आज के ब्लॉग में उठा खास एक ओ कमरो दिखाऊँ कुटिया ही मान लो। आ कुटिया दिखाऊँ 100 साल पुरानी कुटिया है आखन। आ 100 साल कुटिया पुरानी दिखाऊँ? तो चलो आओ मिलेंगे, कंटिन्यू दिखाऊंगा थाने एक बार मैं देख के मेरे पतले। सबसे पहले तो मैंने इसके आगे ये वाला है ये वो पर्दो लगा रखे ठीक है। बीम आ गए हम लोग काम ही थान ध्यान है कि ये भी साहब ये आवन कंपनी कंपनी आ जाने लगा लो वो जी इधर ये को मेरे गिफ्ट एड सिर्फ चाबियाँ वास्ते। तो चलो सब पहला तो इसको खोल लेते हैं। इसको खोलते ही सबसे पहले बड़ेंग नहीं उससे पहले आएगा कनक का ड्रम ठीक है। उसके बाद ये अलमारी आ जाएगी और इधर अपने गेट के पीछे एनिवेटर ये कबाड़ खाना। अब आपने देख सी भाई सदा आठ बेड होएगा राज मानसो की हैं। तो कल मैं सुबह सुबह 5 बजे खड़ी होते ही यहीं रूम में ही सफाई करी तो मैं बेड काट गठे चार पाई लगा दी क्योंकि बेड है मोटो तो बेड ऊपर बहुत ज़्यादा डंगो रेड़ दिया। तो दोपहर में 10 मिनट रेस्ट कराऊँ तो ईमान से प्रकार कौन सा कहीं खतर में वो कर दियो। आ मेरे बेड की चादर में बिछा बिछा गए बिछा बिछा धाप गई चादरों फिर मैं इंगोट है पर्दो बना दियो। ओ है तारो ओ मेरे लैडो है सालासर। एक बार मैं मेरे बेर सासू दो दरान ले के गई सालासर जदे दो ले गई आई एक मैं खुद मेरे ले एक मार बुआ जी क्योंकि मेरे नाम को ले दो लिया ठीक है। भी बाद में दिखाई देगी लाइट जगानी पर सी लाइट जगह कौन क्यों जी मेरे कैमरा बहुत डाउन है तो एक मिनट रुको लाइट छोड़ दी है। तो वह है जी कबाड़ खानो ये टपड़े अपना दो सिलेंडर सिलेंडर के पीछे थाने मैं जी को दिखायो नहीं हो पड़ दो पड़दे के पीछे मैं अठ बेड लगा दिए। बेड पर एक प्लास्टिक पड़े अंधेरों जरूर दिख तो सी थाने क्योंकि अंधेरों थानी है दिख तो सी कि लाइट को नहीं पड़दो है पड़दे पीछे। तो आ मेरी पेटी मेरे दाइजे की पेटी कौन नहीं है मेरे दाइजे की पेटी मेरे सासू ने आ पेटी है मेरी नई लेडी वाह है मेरी मशीन की। ओ है जी तो सरों कबाड़ ओ जिक दिन कबाड़ी हो दिन काट देंगे ऑक्सीजन सिलेंडर भी चली पड़े है। भी बाद में ये 3-4 फोटो आ छोरी ये दिखा था नानी सी आ बारी बारी अमीचा खोला अमीचा खोला शिव भगवान की फोटो भी 3-4 फोटो आई कर बाहर गणेश भगवान भी बाद में। अब थे किसी तो पुराना कमरो किया बतायो तो ये इन छत्तू पतो लाग तो उसी थान देख लियो और तो क्या मैं थोड़ा सकड़ी कर करके ढक रखे बाकी यहाँ लेबड़ा पाट रहे आ देवा तिराड़ नहीं आ दिखा है थाने से इन सर सर बहुत पुरानी बहुत पुरानी इनकी दीवार है कम से कम 10 फुट ना ज़्यादा चौड़ी है। तो थे मान लो कितनी पुरानो मान शो बिन 10 फुट आ दिल यहाँ कड़ी तलना रही सारी सारी आ दिल सारी सारी पूरा रूम है नहीं पूरा रूम गिंगी। मेरी माँ की फोटो देख ली बेचारा माड़ी सी मेरी माँ ई गणेश भगवान की भगत होया करती ई गणेश भगवान के सारे मैं मेरी माँ की फोटो रखूँ मेरी माँ में सामने ई फोटो में एक चीज़ दिखाया करती अगर थाने दिखा तो देख लियो थाने कौन दिखेगी क्यों बताए बिना कौन था अपने मेरी माँ हमेशा ई गणेश भगवान की भगत थी सर फोटो तो मैं रही पड़े फोन का डब्बा डब्बा। तो देख लो जी छत देखते पूरा पूरा अंदाजा लगा लियो कहो तो 100 के 200 साल पुराना हो सी वो देख लियो ये सब रूम बने है। आ है जी पेड़ी आ देख लियो पूरा 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 रूम पाट्यो पड़ियो है। तो ये रूम की खासियत के है मैं थाने बताई दी है नहीं पता लगता तू देख लियो एक मिनट आगे कैमरे करके मैं थाने थोड़ी सी बात और कर लियो थार सके ठीक है। ये रूम की खासियत आई है कि ओ रूम की दीवारां है कम से कम 10 फुट चौड़ी है इं 10 फुट वह नहीं मान लो 2 ईंटियाँ लंबी रखड़ी है जी ईंट वह नहीं है अजकल तो लोग इं ईंट रखे इं ईंट बराबर में 2 जन एक ईंट कितना फुट चौड़ी हुई है मन ध्यान को नहीं 2-2.5 इंटियाँ की यार दीवार है जी थान मैं थोड़ा सा अंदाज हूँ इं दीवार ऊपर बता दूँ एक बार ठीक है जी आ दीवार है नहीं आ दीवार तो देख लो कितनी है मेरे अंगूठो दिखे थान ये ओ देख लो इतनी चौड़ी है दीवार मान लियो एक गिटता मेरी समझ को नहीं कि कैसा बताऊँ मैं थाने
हटो पतोला जी हाँ, इतनी चौड़ी दीवार है, इतनी चौड़ी दीवार पर कमरों चीनी जेड़ो है। इतनी चौड़ी यानी कि लेडीज एक पिड्डो डाल के ऊपर बैठ जानी दीवार के ऊपर तो बैठ सके। एक पर छोटी पीढ़ी वह नहीं, वह पीढ़ी डाल गए अपन दीवार पर बैठ। इतनी चौड़ी दीवार है ही रूम की, तो जी बहुत पुराना रूम है, बहुत ही पुराना। मैं तो लियो जो वो मकान के एक बने बनायो लियो, तो और तो मैं सारा सारा तोड़ के दोबारा बनायो है, लेकिन ई कमरे में तोड़ियो कौन, क्यों कौन तोड़ियो, इतने सामान भरियो पड़े नहीं तो सामान कटे रहूं थे बताओ। दिन मैं क्यों रूम तो यहीं पड़े रहने दियो, वो तो नीचे दब जाएगा, वो तो पड़ा तो है को नहीं, क्योंकि इतनी चौड़ी दीवार दिन थे मानो ये मैं तो शुक्र मनाओ गारा को चिनेड़ो है, गारो ना हूं तो सीधी ईंट रखी थी तो भी पड़ने का कोई चांस को नहीं है। तो मैं क्या तो कुटिया यहीं रहने दियो, तो आ कुटिया तो मैं यहीं रख ली ऊपर लार बाहर का सारा तोड़ तोड़ के दोबारा बना दी। अब जब इनली साइड बनाऊंगा नहीं, जिक दिन मेरी उम्मीद है कमरे थोड़ी सही कर लूंगी। तो जी आओ आज के ब्लॉग में, आगे हमारी बिल्ली ली छोटा छोटा बच्ची है वे भी था ना, मैं दिखाऊं वीडियो, कंटिन्यू देखता रहिए और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जी इं बाद में देख रहा अपनी बिल्ली आ गई है बच्चा जी, अपना बच्चा तो पाल पोस के मोटा मोटा करके ले अब कल तो पता कौन इतना दिन तक घटल को रखा, आज पहली बारी ले गया ही है, लेकिन दो ही ले गया ही है, एक फेर ला रह गयो है, एक माँ ही वह जो देख रहे थे बोक बोक के दूध गला लियो पहला प्लेट में, अब अंगा के छोड़ गिरा आप इन्ना आगे बैठ गया ना थे पी लियो, ठीक है ना, माँ पेट में भूखी रे जे औलाद गली है जी को देख लो जी, छोटा छोटा उजाड़ तो कट कितो कुछ आज पहली बार ही आए हैं। तो पहला ने मैं रोटी दी, वो कट रोटी खावे के रोटी भी तो खावे, अब तो इतना तो मोटा हो गया क्यों माँ के दपे बापड़ा दूध जना, एक कोली दूध गाल दियो एक रोटी गाल दी है यार, तीनों जना ला रहे, वो एक ला रहे कि वो एक किन्ने उठ के बापड़ो वो वर्द वो खा पी लिया रहा। तो ये छोटा छोटा क्यूट क्यूट आ गया देख लिया अपना बिलिया, तो थाने किया लग गया कमेंट में जरूर बताइयो मैंने अपना छोटा छोटा।